नहीं चीटिंग नहीं है, लेकिन आंटी वो ना जो जनता है उनको दिखाना पड़ता है, सबको बताना पड़ता है, सच दिखेगा तो लोग ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएंगे, नहीं तो आपको बताऊं समाज में इतने लोग हैं आंटी जो फ्रॉड कर रहे हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया आंटी। मैं आंटी दो आज हो गए, कम से कम 1.5-2 साल हो गए सीपी में आते हुए, शूट करने आता हूँ मैं। तो आज मेरे को मौका लगा कि आज आपसे अच्छे से बात करूँ कि ये क्या चीज़ है, क्या करते हो। तो आंटी क्या है हाथ में आपके? जो भी स्टूडेंट आते हैं जी, उनसे डोनेशन लेते हैं। दिखाओ, ये राष्ट्रीय फ्लैग। अच्छा, राष्ट्रीय फ्लैग लगाते हो कहाँ पे? ये जो भी स्टूडेंट आते हैं सीपी में। अच्छा, उनके लगाते हैं। ठीक है, कोई देता तो ठीक है, नहीं जबरदस्ती किसी के साथ। मतलब मैं समझा नहीं आंटी, स्कूल की तरफ से डोनेशन लेते हैं, हैंडीकैप बच्चे हो, जैसे संस्था का नाम है हमारा वो तो आपको बताया। अच्छा, आप संस्था के लिए काम करते हो आप? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। ठीक है ठीक है, तो इसमें कोई देता कोई नहीं देता। तो ये संस्था, एक बार पूरी बात आंटी जानूंगा आपसे, संस्था कहाँ पे है और किस नाम से है ये? आपको दिखाया ना मैंने। जी जी। अच्छा, आप एक संस्था है उसका मतलब एक ये साइन है कि मतलब आप जो स्टूडेंट आते हैं उनके लगाओ, तो कहाँ आंटी, शर्ट पे लगता है कैसे? ये यहाँ पे लगाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया आंटी। अच्छा, कोई जो देगा तो ठीक है, नहीं देगा कोई दिक्कत नहीं है। सारे दिन में बस 100-200। तो क्या क्या किस नाम से दिखाओ? तो इस ये संस्था के अंदर सारे मतलब क्या जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते सारे हैं? हाँ जी। अच्छा, दिखाओ दिखाओ। ये संस्था आपकी ह्यूमन वेलफेयर, ये कहाँ पे आंटी जी? अगर बंदा कोई नेट पे डाले इस संस्था का नाम आ जाएगा? मैं डाल के देखता हूँ, क्योंकि आंटी बुरा मत मानना, हमें ना सब कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि जो पब्लिक हमारी वीडियो देखेगी ना तो वो भी क्या पता आर के पुरम कोई रहता होगा तो वहाँ पे संस्था में जाएगा, मदद करके आएगा। मैं सर का नाम दे देती हूँ, फोन नंबर दे देती हूँ। नहीं रुके ना एक मिनट, ये फ़ोटो भी मेरे को दे देना, मैं इस पर डाल दूँगा। ह्यूमन वेलफेयर, हाँ आंटी, ये तो गूगल पे आ रहा है, टॉप पे ही आ रहा है, एड्रेस भी आ रहा है आपका। ये प्रॉपर आंटी एड्रेस आया है इसका, एक मिनट। इसमें कोई चीटिंग नहीं है बेटा? नहीं चीटिंग नहीं है, लेकिन आंटी वो ना जो जनता है उनको दिखाना पड़ता है, सबको बताना पड़ता है, सच दिखेगा तो लोग ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएंगे, नहीं तो आपको बताऊँ समाज में इतने लोग हैं आंटी जो फ्रॉड कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अगर ये चीटिंग होती है आप 1.5-2 साल तक आते भी नहीं। ये अच्छे इंसान की पहचान होती है आंटी, क्योंकि मैं आपको, मेरे को इतना पता 1.5-2 साल मेरे को हो गया आपको देखते हुए, अगर आपने चीटिंग करनी होती ना तो आप एक दिन में पैसा लेते लोगों से और चले जाते हैं, ये चीज़ है। लो खोलना आंटी एक बार। तो आंटी ये पूरा एड्रेस तो ये आ रहा है, 010 ब्लॉक अरुणा नगर सिविल लाइन। हाँ जी। अच्छा यही है। हाँ जी। तो ठीक है, इस संस्था के लिए आप काम करते हो? हाँ जी। तो यहाँ पे बच्चे जो मतलब जिनके माँ बाप नहीं है, अनाथ बच्चे हैं? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो ठीक है आंटी, ये भी मैं इसमें डाल दूंगा। तो किसी ने मदद करनी होगी ना आंटी, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि मौके पे जाके मदद करना सही समझते हैं आंटी। हाँ सही बात। तो जैसे आप ये लगाते हो, फ्लैग लगाते हो, तो कोई 5 रुपये दे देता है, कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये। अच्छा, कोई 2 रुपये 1 रुपये। अच्छा, तो घर कैसे चलता आंटी? अच्छा, वहाँ से आपको जो सपोर्ट मिल जाता है, जो भी वो जो वहाँ के डायरेक्टर हैं वो देख रेख में? ठीक है ठीक। तो जैसे आप खुद भी हैंडीकैप हैं? अच्छा, हैंडीकैप है आप? ओके ओके ओके, ये कैसे हो गया आंटी जी? ये जल गया था। तो परिवार कहाँ है आंटी जी आपका? कश्मीर से है। कश्मीर से हो आप? यहाँ कहाँ रहते हो आप? हाँ जी, अरुणा नगर ही रहते हैं। आप? अच्छा, अरुणा नगर जहाँ पे ये संस्था है। हाँ जी, हाँ जी। तो आंटी ये संस्था मतलब कैसी बनाई हुई है, एक पूरा हॉल है या फिर कोई थोड़ा घर है, कैसे है ये? मतलब ऐसे पूरा ही वो बना हुआ है, उसी में ही रहते हैं सब लोग। अच्छा, एक स्कूल की तरह बना
स्कूल की तरह बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मतलब किसी ने अगर वहाँ मदद करने जाना हो तो आंटी वहाँ पे जा सकता है, तो एड्रेस वगैरह डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में मैं। अच्छा, नहीं अच्छी बात है आंटी, सेवा कर रहे हैं इतने अच्छे लेवल पे। तो जैसे आंटी आप इस संस्था के लिए काम कर रहे हो, तो और भी और लेडीज़ हैं दिल्ली में जो उन्होंने ऐसे बोला हो कि आप भी जाए? काफ़ी कहीं कहीं जगह जाते हैं हम, तो सब जगह उसने सेटिंग कर रखी है। अच्छा, कई लेडीज़ हैं जो मतलब ठीक है ठीक है, हर जगह जाते हैं। आप उनका नंबर लोगे तो आप सब पता, नंबर मैं डाल दूंगा आंटी। ठीक है ना आंटी। तो आपने फिर बताया घर, आंटी जैसे बहुत कम पैसे आपको मिलते हैं तो वहाँ पर आप देते हो, तो महीने का कितना दे देते हैं आपको? वो 3-4 हज़ार रुपये। तो 3-4 हज़ार में तो घर चलता ही नहीं आंटी जी। राशन पानी दे देते हैं। कितने घंटे आंटी यहाँ पर आप आते हो? 1 बजे आते हैं। अच्छा, 1 बजे आते हो? 7 बजे तक चले जाते हैं। तो 200-300 तो डोनेशन आ जाती होगी, वहाँ जाके जमा करा देते हो? डेली जाते हो आंटी वहाँ पर? समझ गया। तो आपके बच्चे भी आंटी जी? वो कश्मीर में रहते हैं? अच्छा, दिल्ली में। वो क्या करते हैं? अच्छा, काम करते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये जैसे कोई आया उसके बाद अपना जिसका मन हुआ दिया, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है? ज़बरदस्ती नहीं है। तो नाम क्या आंटी जी आपका? मेरा नाम केली देवी है। हाँ जी, केली देवी। नमस्कार दोस्तों, मैं आज, मेरे साथ जो आंटी जी बैठी हैं इनका नाम केली देवी है, और मैं इनको 1.5-2 साल से, मतलब जब भी मैं शूट पर आता हूँ तो देखता था, कभी मैंने मतलब ओपन बात नहीं करी इनसे कि आंटी जी क्या काम करते हो क्या नहीं करते। आज प्रॉपर आंटी ने मेरे को सारी जानकारी दी कि आंटी एक संस्था के लिए काम करती है, और जो संस्था का एड्रेस और नाम जो भी फ़ोटो आंटी के पास है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मेंशन भी कर दूंगा सारी जानकारी। अगर आप में से कोई व्यक्ति इस संस्था के लिए कुछ करना चाहता है, करने से पहले परखना चाहता है, देखना चाहता है क्या है क्या नहीं है, तो जाँच पड़ताल भी वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फ़र्ज है, जैसे आंटी है, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बात करना, समझना कि वो क्यों इतने घंटे यहाँ पे काम करते हैं। तो आंटी ने अपनी आप बीती बताई, आंटी खुद पैर से हैंडीकैप पे चल नहीं पाती, तो आपसे जितनी मदद हो सके आप करना। नंबर मैं डाल दूंगा, और जो एड्रेस था कौन से, अरुणा नगर था ना आंटी? अरुणा नगर का कोई व्यक्ति मेरी वीडियो देख रहा है तो वो उस संस्था के पास जाके बात करके, बच्चे देख कर, जो डोनेशन उसको ठीक लगती है 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये दे सकता है। और आप अगर सीपी आते हैं और आंटी आपको मिलती है, तो आपसे जो भी अच्छा योगदान हो, 10 रुपये का, 5 रुपये का योगदान, तो 1 रुपये का भी होता है, वो आप दे सकते हैं आंटी जी को। तो आंटी मेरे से इतना मेरे से होगा, मैं आपके लिए करूँगा, मतलब जब भी आऊँगा आंटी पक्का ध्यान रखूँगा। और ये कुछ छोटी सी, आप थोड़ा सा ना जब ये थोड़ा रेस्ट भी करा करो आप, क्योंकि मैंने जब जब आपको देखा बैठे हुए नहीं देखा, अपना जिस सबसे पैर दिखाया ना, तो मैं क्या बोलूँ, मैं खुशी मिले आपको। आप भी हमें आंटी है कि आपको हर खुशी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आंटी ऊपर वाला है ना, अगर आपका दिल साफ है, नेक है, तो वो चमत्कार करने के लिए बैठा है, 1 सेकेंड लगाएगा चमत्कार करने में। जी जी जी। तो दोस्तों जब भी कोई जब भी आप सीपी आए, आंटी आपको दिखे, ज़्यादातर आंटी कौन से ब्लॉक में, आप एफ ब्लॉक में? कौन सा ब्लॉक? ज़्यादातर आंटी आपको ई ब्लॉक में नज़र आएंगी। मैं ये नहीं कहता आपको डायरेक्ट आप आंटी को पैसे पकड़ाएं, पहले आप जांच पड़ताल कर लें, मैं जो प्रॉपर एड्रेस डालूंगा, जानकारी डालूंगा, उसके बाद आपका जो मन करता है, जो डोनेशन देने का मन करता है, आप आंटी को दीजिए, तो इससे कई बच्चों की मदद होगी, साथ ही साथ आंटी का घर भी चलेगा, क्योंकि आपने सुना आंटी सिर्फ 3-4 हज़ार रुपये महीना वहाँ से आंटी को मिलता है, जिसमें आप समझ सकते हैं घर नहीं चलता। तो ठीक है आंटी जी, ध्यान रखिए अपना आप। ठीक है ठीक है, ओके आंटी जी, हर खुशी मिले। ठीक है ठीक है ठीक, थोड़ा ध्यान रखना आंटी। इसके लिए कुछ अगर इलाज हो सकता तो चाहिए मुझे जूते। हैं, मेरे को प्रॉब्लम होती पैर में जूतों की। तो जूते कहाँ से मिलेंगे बताओ, दिलवा देता हूँ मैं। पर महंगे बेटा, इतने महंगे हैं? कितने महंगे हैं बताओ ना आंटी। कमाल है, मना कर रहे हो, बताओ कितने? अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं, सुनो ना, 700-800 के भी जूते आते हैं, तो वो दिलवा देता हूँ मैं आपको। हाँ, हाँ, उसमें संतुष्टि है? अच्छा, बाद में। ठीक है, आंटी का दिल देखा आपने कितना नेक है, कहती बेटा महंगे जूते हैं, फिर मैंने कहा चलो 700-800 के ले लो, आंटी ने वो भी मना कर दिया, कह रही बाद में दिलवाना। मतलब दिल आंटी का बहुत साफ है, मैं अभी से नहीं, मैंने ये नहीं कि अचानक से आज आंटी दिखी और मैंने बात करनी चालू कर दी, नहीं। आंटी कितना साल हो गया आपको यहाँ पर? मुझे 20 साल हैं सीपी में। ओ, इतना लंबा टाइम पीरियड, 20 साल। तो अभी जूते एक बार ले लो ना, वो तो पालिका बाजार से मिल जाएंगे। बाद में ले लो।
चलो मैं फिर लेता आऊँगा। तो पैर नंबर क्या आपका? छः नंबर, ठीक है। मैं अगर थोड़ा लेट हो जाता हूँ ना तो मेरा कोई चाहने वाला भाई वो यहाँ मिलेगा आपको, तो वो खुद ही दे जाएगा, नहीं तो अगर मैं आऊँगा तो मैं आपको दे जाऊँगा। कोई बात नहीं, ठीक है, जरूरी जूते नहीं, आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मुझे जूते नहीं चाहिए, मेरे बच्चों की खुशी चाहिए और आपकी खुशी चाहिए। ठीक है आंटी जी, हमेशा खुश रहो आप, और ऊपर वाला चमत्कार जल्दी करेगा। थैंक यू बेटा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।